सुवर्णरेखार विपद संकेत छुईला जलस्तर। बालेश्वर जिला सुवर्णरेखा नदी तलिया अंचल बन्या आशंका देखादी। जलेश्वर राजघाट ठारे विपद संकेत 10.36 मीटर टपिचे। आज सकाल 7टा सुधा बन्या पाणी विपद संकेत 10.45 मीटर उपरे प्रवाहित होउछि, जहाँ सुवर्णरेखार बन्या आशंका देखादी। बालियापाड़ा ब्लक तलिया अंचल कुद मानसिंह, सूर्यपुर, गुणुपुर, आठवटिया, सुंगमुह, विष्णुपुर, अस्ति, मधुपुर पानी पसी रास्ता बुड़ी। तो सुवर्णरेखा नदी में पढ़ुची पानी बन्या आशंका विशेष भाव प्रभावित हो। बालियापाड़ा ब्लक 5टी पंचायत और भोगराय 5टी पंचायत नदी उपर मुंड झारखंड में प्रबल वर्षा फल गत 31 तारीख गलुडीह ब्यारेज 10टी गेट्रु 2 मीटर लिखाएं और चांदेली ठारे गोटे गेट्रे 3 मीटर गेट 3 मीटर खोला जाता। जलेश्वर स्थित राजघाट ठारे विपद संकेत 10.36 सतर्क सूचना 9.45 मीटर रही है। गोपबंधु हम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना सीधास्त नहीं चलु। गोपबंधु, बालेश्वर तलिया अंचल में वर्तमान बन्या आशंका, झारखंड पानी वर्तमान ओडिशा बन्या आशंका सृष्टि करता बेले जिला प्रशासन प्रस्तुत यार मुकाबला। देखो अपूर्व जो बन्या आशंका कहला बर्तमान बालियापाड़ा अंचल जो तलिया अंचल रही से सब अंचल वर्तमान बन्या जल प्रवेश कर सारा सूचना रही पाखापाखि 7टी पंचायत जहाँ रही बालियापाड़ में 5टी पंचायत और भगराइ ब्लक जो तलिया अंचल रही 2टी पंचायत वर्तमान पानी घेर रही। तेज आम आम सहित अच्छा बालियापाड़ किसी अंचलवासी अच्छा जो मैंने कि बर्तमान पा घेर अच्छा सीधा सड़क दृश्य देखे पार्थे सहयोग देखा बर्तमान रही जो पानी घर रही पंचायत बर्तमान जगाजग विच्छिन्न होती लोक मैंने जो सका घर बाहरी आसते निजे निजर कर्म काम किए मार्केटिंग बाहरी आसते कि बेलू रास्ता उपर सब पा हो आम प्रतिक्रिया नापी चाहिए स्थानीय बासिंदा अच्छा आज्ञा कौन कहे के गाँ जो रही पाखापाखि के गाँ सब रही बर्तमान पा मगर यही आम निकट अतर इस जुग मैं प्रशासन आपखे पहुँचला कि नहीं ना एपर्त तो किसी पहुँचना गत थर जो पा आसला उपपा से प्रशासन किसी डिक्लेयर करा कि डिक्लेयर करचेतन हो पार्लुनि आउ ये तल बालियापाड़ सुंगमुह विष्णुपुर इकड़पाड़ नयावाली रसलपुर पूरा पा घेर अच्छा आठ तो देखु जमी पा यही तो देखु जमी पा आल गले आस पा पड़ो बहुत घर भी पा घेर अच्छा कहीं आग थर प्रशासन डिक्लेयर करवर्ष प्रशासन एथर बनिया किसी भी डिक्लेयर कलानी जहाँकि आम जापारूना सब चाष जमी तला मारा भी बिलर थी सी गुड़ा भी रात रात भासीगला आ कौन करू प्रशासन एमती तरबरिया काम कले आम कौन करू आठ स्थायी पुल आम बहुत थर कही सारूँ भी कंप्लेन दे सारूँ प्रत्येक वर्ष आप यार किसी समाधान आम देखा पाऊन निश्चित अबे पूर्व बारंबार दाबी पर जो तलिया अंचल जावासाई भल दाबी प्रत्येक थर जब सुवर्णरेखार बनिया आसो ए 5टी पंचायत पानी घर रही अर्थात बुड़ जाए आज जो अच्छा स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया ना चाहिए आज्ञा ये अवस्था प्रत्येक बनिया 13टा ग्राम पूरा बुड़ी अच्छी घर भितर को पूरा पा पशिगलापटे तल बाल सुंगमुह सेपटे विष्णुपुर पंचायत टोटाल तेणु एटी सर आर डी डिपार्टमेंट आम जलेश्वर डिजन ये गोटे पुल हबार तेणु यहाँ प्लां जा किसी पुल एम 4 वर्ष 5 वर्ष कौन पुल हम आ रूटा पूरा हाइट हम बोली कौन हम हम प्रतिश्रुति किसी तेणु यार विहित प्रकार करने राज्य सरकार को आवेदन कर राज्य सरकार को अनुरोध कर जे मौसा अच्छा से मैं पाड़ी जाऊँ सैकेल जगे से फेरी आसते आज सका घर बाहरी आसते जी बहुत जोर विपदपूर्ण भाव लोक पारी देखिए स्पीड बस प्रशासन पक्ष सब आगर गोटे लोक भाषी मरीता से भयभीत भितर जापारून आ भयभीत भाव में जापार ना कि सब बड़ कथा जो भाव प्रशासन पक्षर जो स्पीड बोर्ड व्यवस्था करने कथा पहुंची पारे ना आप देख पारे लोक मैंने को भाई भाव विपद संकुल अवस्था रास्ता पारी होती पाखापाखि गोटे मानने लोकंर कमरे पाखापाखि जो 5 फुट पानी जो किसी किसी स्थान रही अपूर्व किंतु पाणीघेर लोके वर्तमान रहा आरंभ हो कारण धीरे धीरे जलस्तर बढ़ुचे जलस्तर आहरी बढ़ी पारे तेणु किभली भाव सुखिला काद्य गाँ गुड़िक पहुंचा बोट रवस्था करने प्रशासन एपर्तंत दृष्टि नदेवार अर्थ कौन जे खामख्याल जी परिमा गुरुतर सहित तो नवा कथा स्थित को से गुरुतर सहित तो प्रशासन नहींनी प्रिपेयर है प्रशासन निजे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ନା ତ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।